शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लगता है साले को हम पर शक हो गया। अगर उसे हमारे खिलाफ कोई भी सबूत मिला ना तो वो हमें फांसी पर लटका देगा। सबूत है वो तस्वीरें, मैंने उसी दिन कहा था कि तस्वीरें एक दिन में लटका देगी। शिट शिट शिट। अबे लटका तो तू हमें देगा? अभी बड़े शिट 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 कर रहा है, मां तो अंदर मुंह से शिट कर रहा था। तो क्या करता, साले मोनिका की लाश देख के मेरी तो आधी शिट निकल गई। अरे मोनिका कब से अंधेरे के हीरा बेला में रहने लगी, वो तो बैंड्रफ उसके लवनेस में रहती थी। मुझे लगता है कि वही जगह उसकी लवनेस है जहां पे वो हम तीनों मुर्गों को बुलाती थी, मतलब लवनेस में तस्वीरें। सिकंदर के वहां पहुंचने से पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए और उन तस्वीरों को मिटा देना चाहिए। अबे नहीं 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 मेरे बाबलो, देखो बोले हम दिन दहाड़े हम वहां नहीं जा सकते, रात होने तक रुकते हैं फिर जाएंगे। अभी एक काम करते हैं, सब लोग अपने अपने काम पर चलो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, ताकि अगर कोई भी अपना पीछा कर रहा हो ना तो उसे लगना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल है। You're right. एक काम करते हैं, अपन शाम को मिलते हैं। पंटू, चलो पंटू। ओके, चलना। ये जिप को क्या हो गया, चढ़ क्यों नहीं रही है? क्या बात है प्रेम बाबू, बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम मुझे छोड़ो, तुम लेट क्यों आए? आजकल मैं भी देरी से सोता हूँ, देरी से उठता हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से। साला हराम कोट ठरकी। सर आप यहाँ? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यार रोज खोलता हूँ अकाउंट। कितने इत्तेफाक की बात है, जिस मोनिका का चेहरा तुमने पहचानने से इनकार कर दिया था उसका अकाउंट भी तुमने खोला था। हर कस्टमर का चेहरा थोड़ी याद रहता ना सर। तुमने कहा था ना इतना खूबसूरत चेहरा कोई भूल सकता है, ये चेहरा तो नहीं भूलोगे ना? मीत, मैं कितने सालों से आपसे कहने को तड़प रहा था कि आंखें, वाह वाह इन आंखों में। अरे ये बुड़की वाला यहां कहां से आ गया? बच्चों का बढ़ गया बच्चों का। तुम यहाँ? मैं अपने दोस्त से मिलने नहीं आ सकता क्या? कभी ये सोचा है कि तुम दोनों को जेल में मिलने कौन आएगा? अबे अब क्या प्रॉब्लम होगी, क्यों बुलाया मुझे? मैंने बोला था ना शाम तक नहीं मिलना, इतनी बड़ी कौन सी आफत आ पड़ी? आइए, गांधी जी के तीसरे बंदर की कमी थी। सर आप यहाँ? दुनिया में तीन चीजें बिन बुलाए आ जाती हैं, मौत, जुलाब और ये जनाब। अपॉइंटमेंट फाइल लो, अपॉइंटमेंट फाइल। सर ये आप क्या करें, क्या आपके पास सर्च वारंट है? मोनिका सिंह, 14 नवंबर शाम 5:30 बजे। अब तुम भी यही कहोगे कि तुम्हारे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, सबके चेहरे याद नहीं रहते। देखिए सर ये सारी बातें काफी नहीं है ये साबित करने के लिए कि हमारा मोनिका के खून के साथ कोई लेना देना है। इत्तेफाक से तुम्हारी याददाश्त भी जरा कमजोर लगती है, खैर याद दिला देता हूँ। हार भी अच्छा है और टिब्बा भी,
मेहता जूलियस। कितना बड़ा इत्तेफाक है कि मोनिका तुम तीनों को मिली थी और तुम तीनों में से किसी को भी उसका चेहरा याद नहीं। ये इत्तेफाक ही हो सकता है। क्या ये भी इत्तेफाक है कि तुम लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक हो रहे? ये भी इत्तेफाक हो सकता है ना सर। तो तुम्हारे लिए अफसोस की बात यह है कि इत्तेफाक से इंस्पेक्टर सिकंदर इत्तेफाक में विश्वास नहीं रखता। आज से तुम तीनों अपने दिन गिनने शुरू कर दो, क्योंकि जिस दिन मैं तुम लोगों को फांसी पर चढ़ाऊंगा वो सबूत की बिना पर होगा, इत्तेफाक की नहीं। अगर इस जल्लाद को सबूत मिल गया ना तो हम तीनों की तो मौत है। जल्दी लवना चलकर वो फोटोज ढूंढते। आ जाओ। मोनिका अपने घर की एक्स्ट्रा चाबी इस वेलकम मैट के नीचे रखती थी, अभी होगी। तू जाके देख। सिकंदर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सिकंदर की तो लगता है हमसे पहले यहां कोई आ चुका है। कातिल हमेशा यही तसल्ली करने लौटता है कि कहीं उसने कोई सुराग तो नहीं छोड़ दिया और वहीं गलती कर बैठता है। तुम अच्छी तरह तलाशी लो। जी सर। हैंगिंग गार्डन जाके हैंग आउट करने का प्लान बनाया है। मैं भी प्रेम और अमर के साथ हैंगिंग आउट ही कर रहा हूं। मैं बाद में फोन करता हूं मेरी माँ। हेलो जानू। जाकर देखे सिकंदर क्या कर रहा है, जाकर देखना। ओके संभाल। सर ये कुछ पेपर्स मिले।
बार की तरह क्या फोफो कर रहा है? क्या हुआ? अबे मैंने फोटो गिरा दी यार बाबा। क्या? अबे तू खड़ा रह सीधा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रेम तू एक काम कर, तू मोनिका के घर पे फोन कर। एक मिनट, पर मोनिका तो घर पे है ही नहीं। भाई तू चुप रह। हाँ बोल। तू फोन कर और सिकंदर को किसी भी तरह बातों में उलझाए रख, ओके? ठीक है। फोन दे। फोन ले, डायल कर। हेलो सर्वोदया वीडियो लाइब्रेरी। क्या रेशमा की जवानी है? क्या बकवास कर रहे हो? कच्ची कली भी चलेगी। शाप। ओह शिट, काट दिया। और मीत अंदर है। कुछ नहीं मिला सर। चलो बंद करके चला गया यार। तो अभी हम करें क्या अभी यार? शिट, ये मुझे बहुत जोर से लगी है यार। तेरे को लगी है? यहाँ पे फंस गए, कर गया। अबे यार ये सोचो मैं अपनी गीता को क्या बोलूंगा, मैं कहाँ था रात भर। तू गीता को छोड़, आंचल का क्या होगा? लगी है यार। अबे फट्टू इतना ही मुंह है तो यहाँ मेरी जेब में मुंह है। रिलैक्स, चिल्ला मत, रात भर यहीं रहना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू फ्लावर पॉट में मुंह जा। Good morning, boys. Good morning. कौन है भाई साहब? मैं वही हूँ जिसने मोनिका को ऊपर भेजा, और अब चाहूँ तो तुम तीनों को भेजने का इंतजाम भी कर सकता हूँ। यानी कि तुमने? हाँ, मैंने ही मोनिका को मारा है। मुझसे गद्दारी करने चली थी बेवकूफ, मगर मुझे पूरा यकीन है तुम तीनों ऐसी बेवकूफी नहीं करोगे। लेकिन आप हमसे चाहते क्या है? वही 30 लाख रुपए जो तुम लोग मोनिका को देने वाले थे। लेकिन पैसों का बंदोबस्त करने के लिए सिर्फ 2 दिन है तुम लोगों के पास। सिर्फ 2 दिन? 2 दिन? हाँ। मुझे मालूम है तुम लोग मुझे निराश नहीं करोगे, क्योंकि जिन तस्वीरों के चक्कर में तुम लोग कल रात से यहां लटक रहे हो वो तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो मेरे पास है। देखोगे? ये देखो। देखो कितने प्यार से तुम तीनों मोनिका की लाश को उठाकर ले जा रहे हो। अगर चाहो तो ये तस्वीर अपने घर के एल्बम के लिए रख सकते हो। मेरे पास नेगेटिव्स है, जितनी चाहे कॉपीज बना लूंगा। 2 दिन, वरना ये तस्वीरें पहुंचेंगी सिकंदर के पास और तुम तीनों पहुंचोगे मोनिका के पास। चलो अब ये लटकना बंद करो और काम पे लगो। चलो